आइए आज हम बनाते हैं केरी का अचार। ये अचार बाजार वाले से भी टेस्टी और सस्ता बनेगा, जो महीनों तक खराब नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए 4 किलो केरी, 2 लीटर तेल, 10 ग्राम हींग, आधा कटोरी कलौंजी, आधा कटोरी सौंफ, 1 कटोरी मेथी दाना। इन तीनों को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले केरी को धोकर काटकर 3-4 घंटे छांव में सुखा लिया है। सूखने के बाद इसमें 3-4 चम्मच हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, हींग, 1 कटोरी लाल मिर्च पाउडर, 2-3 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कांच या प्लास्टिक के डब्बे में डाल देंगे और बचे हुए मसाले भी डाल देंगे। फिर ढक्कन लगाकर मिक्स कर देंगे। अब इसमें गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल डालकर 7-8 दिन रख देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चेक भी कर लेंगे। बस हमारे घर पर बना हुआ बाजार से भी टेस्टी अचार तैयार है। आप भी बनाकर हमें कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।